उदल को गुस्सा आ गया। उसने सूरज से कहा, घटिया राजा के बेटे हो तुम, यहाँ घटियापन करो। इतना कहकर उसने नेगिन को मारने लगा। सूरज को मौका मिला, उसने इधर उधर देखा और वहां से भागने में ही भलाई समझा। सूरज महल पहुंचा और गजराजा को सारी बात बताया। बड़े काया मोवे वाले इनसे मोनो पेश न पाता, पर जवाब दिया माहिल ने। राजा सुन लो कान लगाता, पर जवाब दिया माहिल ने। ऐसे पार मिले नहीं उनसे, जिनकी जात बना फल राय। करो अधीनी तू माल्हा से, ओ मलखे को लो बुलाए। करो अधीनी तुम आल्हा से, कैद करा दे खंदक में, सारा काम फते हो जाए। यह मन मान गई राजा के, ओ हृदय में गई समाय। यह मन मान गई राजा के, पांचों कपड़ों को झट पहना, पांचों बांध लिए हथियार। नाव नेगी संग में लेकर पहुंचे आल्हा के दरबार। नाव नेगी संग में लेकर पाँव पकड़ता हूँ राजा के, शंका दिल से दूं बुला। धीरे धीरे राजा बोला, महाराज बना फल राय। धीरे धीरे राजा बोला, नामी राजा हो मोहे के, ऊंची जात बना फल राय। जान के कंगला मुझे छोड़ दो, जिंदा गुन भूलूंगा नाय। जान के कंगला मुझे छोड़ दो, ब्याह रचाऊं मैं बेटी का, डोला संग देऊं करवाय। मन मान गई आल्हा के, और हृदय में गई समाय। मन मान गई आल्हा के, फुल के आल्हा गद गद हो गया। होनी रही मूड पर छाय, बोला आल्हा नरमल के से, मैं भया की लूं बलाय। बोला आल्हा नरमल के से, जो तू भूखा हो सिर से का, खाली अभी देऊं करवाए। संगन भेजो इस दुश्मन के, वह मेरी जान बचेगी ना। संगन भेजो इस दुश्मन के, घटिया राजा है कांसों का, यह धोखे से दे मरवाए। इतनी सुनकर नरमल खे से, फिर आल्हा ने कहा सुनाए। इतनी सुनकर नरमल खे से, ऐसी बातों को मत बोलो, यह तुमको जेबा है ना। जल्दी चले जाओ महलों को, सारा नेगले वो करवाए। जल्दी चले जाओ महलों को, तब मजबूर हुआ नरमल खे। ओ उदल से कहा सुनाए, मिलना हो तो मिल जल्दी से। फिर मलखे मिलने को नाय, मिलना है तो मिल जल्दी से। बंसन छोड़ो गजराजा के, जो मेरा नाम उदय चंद्राय। बेशक चले जाओ राजा संग, दहशत किसी बात की नाय। बेशक चले जाओ राजा संग, यह मन मान गई मलखे के। इकले चला बना फल राय, जाकर पहुंचा राजद्वार में। गजराजा ने लिया बिठाए, जाकर पहुंचा राजद्वार में। नाच पात्रों का होने लगा, कुछ तारीफ करी न जाए। दारू शरबत के बदले से उसको बहुत सो दिया पिलाए। दारू शरबत के बदले से जब बेहोश गिरा धरती पर, राजा ने ली मुझके बंधाए। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी, गले में चौक दिया ठुकवाए। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी।
जब मलखान बेहोश होकर गिर गया तब गजराजा ने मलखान के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डलवा दिया, सरसियों से मांस को खिंचवाया और बांस के डंडों से पिटवाया। हाथ हथकड़ी पांव में बेड़ी गले में तोप दिया डलवा, फांस ठुक रही नाखून में चौप कान में भी ठुकवा, फांस ठुक रही नाखून में मिलना हो तो मिल जल्दी से, फिर नहीं मिले तुझे मलखान, चिट्ठी पढ़ कर जो तुम भागे सब की बिगड़ जाएगी आन, चिट्ठी पढ़ कर जो तुम भागे लेकर पिंजड़ा ही रामन का, चिट्ठी उसे दिया पकड़ा, चिट्ठी लेकर तोता चल पड़ा पहुंचा बीच कचहरी आए, चिट्ठी लेकर तोता चल पड़ा तो पकड़ा दिया आल्हा को, आल्हा गए सना का था, नीचे का दम नीचे रह गया ऊपर ले गए राम उठा, नीचे का दम नीचे रह गया। नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गए राम उठाए, बोला उदल तब ललकारा दादा हाल दो बतलाए, बोला उदल तब ललकारा कैसे उदासी है चेहरे पर, क्यों मुंह बहुत रहा कुंभला, दिया जवाब तब आल्हा ने हमसे हाल कहा न जाए, जवाब तब आल्हा ने चिट्ठी आई है कांसों से, गजमोतीन ने दी भिजवाए, दगा गुजर गई रनवासों में मलखे पड़ा कैद में जाए, दगा गुजर गई रनवासों में। इतनी सुनकर बादल फट गए, उदल काल वर्ण हुई जाए, बहुत सा डांट रहा आल्हा को, तुमने इकले दिए पठाए, बहुत सा डांट रहा आल्हा को। जो कहीं मर गए सिर से वाला, तुझे आगे से देऊ बतलाए, पहले मारू तुझे जान से फिर इंदल को करूं हलाल, पहले मारू तुझे जान से पीछे देखूं शहर कदौसी, खेड़ा कर दूं पनिया ढाल, बोला आल्हा आधनी से भैया मेरे उदय चंद राय, बोला आल्हा आधनी से क्यों घबरावे अपने मन में, तुझको कौन पड़ी परवाह, तुझे मिलाऊं मैं मलखे से जो मेरी जात बना फल राय, तुझे मिलाऊं मैं मलखे से। ऐसे करके नरयू दल से भेष जोगिया लिया बना, ऐसा पंडित आल्हा बन गया जिसको कोई पहचाने ना, ऐसा पंडित